नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द एच एस सी अड्डा में। द एच एस सी अड्डा की इस नए वीडियो में हम आपके लिए लेके आए जो TGT का पेपर हुआ था आपका। TGT में जो कॉमन पार्ट था उसमें हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन है। पहले ही से पहले हमने जो मैथ रीजनिंग और क्वांट का था आपका, रीजनिंग का था, GK का था, वो आपका देखा था। इसमें हम हिंदी और इंग्लिश का आपके लिए लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा और आप अपना स्कोर है मैच करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, ये जो कोड है सी कोड है आपका, और इसमें बहुवाच्य वाला विकल्प चुनना है। बहुवाच्य किस में है? तो इसमें जो पहले क्वेश्चन में है, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, तो इसमें है जो बहुवाच्य है आपका। ठीक है, ये इधर आपका दिख रहा है, साथ में देख रहे हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत आपको बताना है। तो असंगत पहले वाला पक्षी शंकु द्विज्नभ चरे सही है, बैल वृषभ अक्षर सही है आपका, हरिण का कुरंग पलंग सारंग ये भी सही है। जो असंगत आपका ये वाला है सी। नेक्स्ट आपका जो साथ में आ रहे हैं, दोनों दोनों साथ में कर लेंगे हम। किस विकल्प में दमन दशमास का उदाहरण नहीं है? तो रुद्र प्रिया में है जो, उसमें आपका नहीं है। जिसमें जो आपका योजक चिन्ह जैसे और यह लगता है, जैसे बक्सा बक्सा और बक्से, उचित अनुचित, कृष्णा अर्जुन, ये आपका है जो अलग से योजक चिन्ह आपका जो रहेगा अलग अलग, इसमें नहीं है। रुद्रप्रिया में आपका जो दमन दशमास का उदाहरण नहीं है। क्षेत्रीय पुल्लिंग के अनुचित विकल्प कौन सा है? तित्तर तित्रिन आपका। हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य किस कारक का? हेमंत को करता ने कर्म को, कर्म कारक का आपका। किस विकल्प में आ उपसर्ग का उपयोग हुआ? तो आख्यायिका का है जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें जो आ उपसर्ग है वो प्रयुक्त हुआ। इसमें आप देख रहे हैं अति, इसमें बी वाले में अति है, आदि अदि है, इसमें भी आपका ठीक है। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है। देखिए इसमें है रीतिवाचक, रीतिवाचक में कालवाचक क्या होता है, काल परिणाम होता है इसमें, इसमें कारण है क्यों और कैसे जिसमें आता है उसमें रीतिवाचक का एक उदाहरण होता है कारणवाचक में, तो ये है रीतिवाचक आपका। निम्न में से किस विकल्प में कम शब्द का भी जो विशेषणीय प्रयोग हुआ है? तो कम शब्द का किस में हुआ है, किस में हुआ है? यह कम बोलना ही श्रेयस्कर है। आगे देख लेते हैं अपना। एक वचन से जो बहुवचन में बने विकल्पों में असंगत चुनना है। तो देखिए इसमें है आपका असंगत तरबुजा तरबुजो, ये प्रत्येक दृष्टि से असंगत बताना है। तो वाल्मीकि प्लस में ई, वाल्मीकि ये असंगत है। इसके अंदर किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात, देखिए निपात में किसी पर जोर दिया जाए किसी, उसमें तो आज तुम दिन भर सोते ही रहोगे, बार डाल दिया जाए सोते ही रहोगे, बी आ जाए किसी में, ही आ जाए, तो उसमें है निपात का प्रयोग होता है। अगर आपको किसी में ये लग रहा है कि इसका ये आंसर होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उसका कि आंसर होना चाहिए। किस वाक्य में आज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है आज्ञार्थ वृत्ति का? मैं चाहता हूँ कि तुम ए भले इंसान बनो। उसमें देखिए आज्ञार्थ का उसमें होता है कि भाई कोई अगर आप कुछ कहें तो वो करने के लिए आतुर हो, कुछ काम करे उसको, उसमें आज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग होता है। विलोम की दृष्टि से बेमेल बताना है। तो खल दुर्जन है जो, ये आपके विलोम नहीं होते, सेम होते हैं। इसमें है वर्तनी की दृष्टि से है अशुद्ध बताना है। तो मृत्युपरांत है, ये अशुद्ध है। इसमें से विसर्ग संधि का किस में प्रयोग नहीं हुआ? दीप उत्सव, दीपोत्सव है जो, दीप प्लस में उत्सव होता है, गुण संधि होती है इसके अंदर। आगे देख लेते हैं अपना। इंग्लिश के हैं जो, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो भरने हैं। ब्लैंक डूइंग द कुकिंग, आई विल आई लुक आफ्टर द गार्डन, बिसाइड बिसाइड डूइंग द कुकिंग आई सॉरी बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द गार्डन। ठीक है, आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। इसमें बताना आवर पेरेंट्स विल रेज्ड अस टू बी ए गुड सिटीजन। रेज्ड अस का मतलब क्या रहेगा? ब्रॉट अप आपका रहेगा। इसमें कुकिंग इज माई हॉबी, कुकिंग अंडरलाइन वर्ड एक जीरेंट आपका। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड यू नोट, डिड पहले आ गया तो सिंगल आपकी सिंगुलर है जो आपका, जो पहली फर्स्ट फॉर्म रहेगी वो रहेगी आपकी नो, डिड यू नो अबाउट द। नेक्स्ट आपका आई हैड नॉट स्लेप्ट और रिटन एनीथिंग प्रॉपरली फॉर 2 डेज। चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन, पैसिव फॉर्म की कंस्ट्रक्शन बनानी है।
वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे, तो इसमें रहेगा जय जू आपका क्या रहेगा इसके अंदर, ऑन द लास्ट संडे जय द जय जू ऑफ जयपुर वॉज विजिटेड बाई अस। फिलिंग द ब्लैंक्स बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें आएगा द हेड मास्टर एंड द सेक्रेटरी अलग अलग है तो वर आएगा, वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना, कमिटेड ऑप्शन नंबर बी COMMITTED। नेक्स्ट आपका चूज द अल्टरनेट बताना, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें जो डिटरमिनर रहेगा इसमें ऑप्शन खाली में तो ब्लैंक, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, आधी अधूरी नॉलेज है जो डेंजरस होती है आपकी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इन डायरेक्ट स्पीच बताना, इसके अंदर द टीचर सेड टू हरी, सेड का क्या हो जाएगा आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड हरी वाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे, येस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा प्रीवियस डे में। नेक्स्ट आपका करेक्ट मॉडल बताना, इसके अंदर सम पीपल ब्लैंक स्काई बेटर देन एन अदर, सम पीपल कैन स्काई। फिलिंग द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बताना, इसके अंदर आई पेड बिल इन कैश, कैश में है जो बिल, जो बिल है वो पे किया है। इसमें अल्टरनेट चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस, ए मैन हु वुमेन इज इन द हैबिट, देखिए इसमें ई फेमिनेट, ई फेमिनेट इसमें दिख रहा है आपका फेमिना, जिसमें फेमिनी आपका आ जाए वो वुमेन से रिलेटेड होता है आपका। चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड गिवन बिलो, बैंक करप्ट, एंटोनियम उल्टा बताना है, बैंक करप्ट रहता है दिवालिया निकल जाए जिसके पास कुछ नहीं होता, सोलवेंट भरपूर होता है आपका। चूज द करेक्ट सिनोनियम, जेलेंट, जेलेंट का जो सिनोनियम बताना है वैलियंट। ठीक है, ये आपका हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन था, उम्मीद करते हैं आपने अपना स्कोर मैच कर लिया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जो दूसरे बचे हुए सेक्शन है उनकी भी जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।